है आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत सीकर के साथ करेंगे। सीकर में उपखंड क्षेत्र के बलारा थाना क्षेत्र से है जहां मामा की शह पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज करवाया था और आरोप लगाए थे कि आरोपी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश गांव क्रूजर गाड़ी से आकर नाबालिग को ले गया और दुष्कर्म उसके साथ किया गया, जिसके बाद बलारा थानाधिकारी बाबूलाल ने मामला दर्ज कर एक टीम का गठन किया जिसने आरोपी को एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर मेन मुलजिम जो प्रकाश था, जिसने इस बच्ची के साथ गलत काम किया, उसकी लोकेशन ग्वालियर में आई, जो अपनी बहन के पास रुका हुआ था, जिसमें से टीम को ग्वालियर भिजवाया। ग्वालियर से दस्तयाब कर लेकर आए हैं। लड़की का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया तथा कोर्ट में 164 के बयान करवा दिए गए हैं। प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य मुलजमान की तलाश जारी है, अनुसंधान जारी है। इधर जोधपुर के मंडोर थाना इलाके के सुरपुरा बांध के पास सुनसान खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जमीन मालिक की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंडोर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक के पास मिले कागजों और बाइक के आधार पर उसकी शिनाख्त मोहनलाल जाट निवासी चांदरक के रूप में हुई है। मृतक यहां लाइट फिटिंग का काम करता था। शक ये भी है कि हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया गया। दरअसल पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी कि यहां एक शव है जिससे दुर्गंध आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो एक युवक का शव जमीन में गड़ा हुआ मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो पास ही मृतक की बाइक भी मिली है। प्रथम दृष्टया हत्या ही है और चूंकि ये यहाँ पे मजदूरी करता था, मतलब बिजली फिटिंग का काम करता था, जिस मकान में रात को ये 22 अगस्त को रात को वहाँ से गायब होना प्रथम दृष्टया सामने आया और 23 तारीख 24 को इसकी बॉडी का पता लगा। इधर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को करीब 10 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही भंवरी देवी के पति आरोपी अमरचंद सहित 5 आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। मामले में आरोपी और मास्टरमाइंड इंदिरा बिश्नोई को जमानत नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि साल 2011 में इस मामले में पूर्व मंत्री सहित करीब 1.5 दर्जन लोगों को सीबीआई ने आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था और तभी से एक आरोपी रेशमा राम को छोड़कर सभी जेल में बंद है। हाल ही में मामले में जेल में बंद आरोपी परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे और इसके बाद आरोपी लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित 6 लोगों को जमानत मिली और इसके बाद आज 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। आज राजस्थान उच्च न्यायालय में मौखिक प्रकरण से जुड़े 5 जनों की जमानत पर सुनवाई की गई थी, जिसपे न्यायाधीश मेहता जी ने 5 जनों की जमानत स्वीकार कर ली गई। हमारे द्वारा खिलाफ जाकर और विष्णा राम की ओर से पक्ष रखा गया। सीबीआई द्वारा ये अपोज किया गया कि इनके खिलाफ मुकदमे तथा कोर्ट के अंदर से भागने का भी प्रयास किया गया। वही चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा ग्राम पंचायत के सामने बरसोपुरा ने अतिक्रमण को पंचायत द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए हटाया गया है। सरपंच अजय कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के पड़ोसियों द्वारा ग्राम पंचायत को मिली लिखित शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें सरकारी रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण मिला है। उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया कि गणेश लाल डांगी और भंवर लाल डांगी द्वारा रास्ते की जमीन पर बाड़े बनाकर बरसों से किया हुआ अतिक्रमण डीसीबी द्वारा हटाया गया है। चलिए अगली खबर अजमेर से है जहां रिश्वत मामले में फरार चल रहे नगर परिषद ब्यावर के पार्षद सुरेंद्र सूरी ने अजमेर एसीबी न्यायालय में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद एसीबी ने जोशी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की है और कोर्ट में उसे पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। 10 जून 2021 में भूमि निस्तारण मामले को लेकर 2.5 लाख की रिश्वत की शिकायत पर एसीबी ने दबिश दी, जहां भरत कुमार और सुनील लखारा को रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पार्षद कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी फरार हो गए थे। कुछ दिन बाद कुलदीप बोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुरेंद्र सोनी इतने दिन से फरार था जिसने आज खुद ही सरेंडर कर दिया। 10 जून 2021 को ब्यावर नगर परिषद में
2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग को लेकर भरत मंगल और सुरेंद्र और सुनील खारा को गिरफ्तार किया गया था। उस समय कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी पार्षद ये दोनों फरार हो गए थे। उसके बाद कुलदीप बोहरा पार्षद को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज सुरेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया गया, सामान्य न्यायालय में पेश किया गया। इधर प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 26 अगस्त को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। मंगलवार शाम 5:30 बजते ही चुनावी शोर थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण में 3,599 मतदान केंद्रों पर 26,55,449 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग के उप सचिव अशोक जैन ने यह भी बताया है कि प्रदेश के 6 जिलों में 3 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्डों में 1,721 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 9 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। 3 चरणों में 6 जिलों के 78 पंचायत समितियों के 1,564 वार्डों के लिए मतदान होगा, जिसमें 5,173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कुल 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। उम्मीदवार अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रचार के लिए पहुंचे स्टार प्रचारक भी चुनावी क्षेत्रों में मौजूद नहीं रहेंगे। किसी भी तरह की कोई चुनावी सभा भी नहीं हो सकेगी। चुनावी प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर प्रचार का दौर बढ़ जाएगा और ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना ना हो, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए चुनाव प्रचार किया जाएगा। डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रत्याशी को मास्क पहनना, 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। पहले चरण का निर्वाचन 26 अगस्त को 7:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। 5:30 बजे इसका प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ अभ्यर्थी घर घर जाकर कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ही प्रचार कर सकेंगे। इधर पंचायती राज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और इससे पहले पंचायती राज चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से ब्लैक पेपर जारी किया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया। बीजेपी ने कहा कि सरकार काले कारनामे कर रही, अपराधी बेलगाम है, बिजली पानी के दाम आसमान में पहुंच चुके हैं, न सुरक्षा है, न रोजगार है और विकास ठप है, राजस्थान बेहाल है। पंचायती राज चुनाव को लेकर AICC सदस्य और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत आज फलौदी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाप घंटियाली और फलौदी पंचायत समिति क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है और मतदान करने की अपील भी लोगों से की। वैभव गहलोत आज 1 दिवसीय फलौदी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने फलौदी, बाप और घंटियाली पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में सभाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान फलौदी नगरपालिका टाउन हॉल पहुंचने पर युवा नेता महेश व्यास के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने 11 किलो की विशालकाय माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वैभव गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गाँव गाँव तक प्रत्येक व्यक्ति को सीधा लाभान्वित किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी दिशा की बैठक ली। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी ने डिस्कॉम के अधिकारियों पर जमकर बरसी और उनकी क्लास लगा दी। दरअसल मंत्री जी इस बात से नाराज थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि हर घर को बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप एक जगह कनेक्शन करते हो, उसके पास की जगह पर कनेक्शन नहीं करते हो, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी जमकर डिस्कॉम के अधिकारियों पर भी बरसते हुए नजर आए।
राजस्थान में कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की मांग कर देश में स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इस संबंध में आग्रह किया है कि केंद्र सरकार इस संबंध में जरूरी कदम उठाए। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में सरकार 9 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में राइट टू हेल्थ कानून लाने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश में राइट टू हेल्थ कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कानून बनने के बाद हर नागरिक का इलाज करना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहले चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सफल तौर पर लागू किया है। राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हो चुकी है और इसे राइट टू हेल्थ की दिशा में ही एक कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राइट टू हेल्थ को मौलिक अधिकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद किया गया है। बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने गहलोत का आभार जताया है। इस दौरान सत्यार्थी ने ट्वीट कर कहा कि राइट टू हेल्थ के समर्थन से हमारे अभियान को संबल मिलेगा। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राजस्थान और अर्जेंटीना के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ह्यूगो को बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल से कई नीतिगत फैसले लिए हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019, एमएसएनई एक्ट 2019, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019, सोलर एंड विंड पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली जैसी कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। राजदूत ने बताया कि अर्जेंटीना की कंपनियां चिकित्सा और स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी, खनन क्षेत्र में लिथियम और सिल्वर एक्सप्लोरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्रों में काम करने को इच्छुक हैं। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की है। दरअसल पायलट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला, साथ ही जातिगत जनगणना का भी उन्होंने समर्थन किया। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन बीजेपी किस चीज के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रही है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं और कोरोना काल में देश में काफी विकट हालात हुए थे। बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है और केवल झूठे आश्वासनों से कुछ नहीं होता है। किसान, मध्यम वर्ग, नौजवान पीड़ित है, दुखी है और जिन लोगों को वोट देकर आपने सत्ता में बिठाया वो आपकी बात सुनने से मना करें, आपके अधिकारों का हनन करें, जासूसी और पेगासस के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया गया देश में जिसको मैं समझता हूँ आज का नौजवान पसंद नहीं करता है। इन सब बातों के खिलाफ हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये संदेश जनता तक पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में चुनाव होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले जो 4-5 राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ पर अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ग्रेटर नगर निगम की निलंबित महापौर सौम्य गुर्जर को निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्य गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबन पर रोक नहीं लगाई, बल्कि राज्य सरकार को कहा है कि प्रकरण में चल रही न्यायिक जांच को जल्द ही पूरा किया जाए। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 1 माह के लिए टाल दी है। सौम्य गुर्जर ने SLP में हाईकोर्ट के गत 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने सौम्या की याचिका को खारिज कर दिया था। सौम्या की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नगर निगम कमिश्नर की ओर से मामले दर्ज कराई गई और FIR में ऐसा कोई गंभीर आधार नहीं है कि अपीलार्थी को मेयर पद से निलंबित किया जाता। SLP ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देते हुए कहा था कि अपीलार्थी का निलंबन गलत किया है, लिहाजा निलंबन आदेश और न्यायिक जांच के आदेश को रद्द किया जाए।
पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से चुनावी सभाएं तेज हो गई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भोपालगढ़ क्षेत्र के सूरपुरा खुर्द और धोरू गांव में चुनावी सभाएं की। इस दौरान राजेंद्र गहलोत ने कांग्रेस सरकार को पूर्ण विफल बताते हुए पंचायती राज चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की है। इस दौरान प्रदेश मंत्री जगदीश देवासी, पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम डागा, सरपंच भगवान सिंह सूरपुरा, मालाराम बिश्नोई, रेवत परिहार समेत पार्टी मंडल अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी भी उनके साथ रहे। छह में से पांच भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे और पंचायत समितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा। और आज इस बात का, आज सब जगह जिन चुनाव सभाओं में गया हूँ, ओसिया, लूणी, आज भोपालगढ़ और आगे भी जिस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, सभी वर्गों का, सभी समाजों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। अगली खबर भरतपुर से है, जहां सांसद दिया कुमारी डीक पहुंची। डीक कृषि उपज मंडी परिसर में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भरतपुर सांसद रंजीता कोली भी साथ मौजूद रही। पंचायती राज चुनाव को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता, पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और भरतपुर में जिला प्रमुख और प्रधान भी बीजेपी के ही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की टीम में भी बहुत उत्साह है, सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता सारे ही बहुत ही जोश में हैं और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे प्रधान भी बनेंगे सभी और हमारे जिला प्रमुख भी बनेंगे और बहुत अच्छे हमारे नतीजे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज कोलायत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोविड में राजस्थान के सभी बीजेपी के 25 सांसद नदारद दिखे। उन्होंने जनता की कोई सुध नहीं ली। वहीं गहलोत सरकार के कुशल प्रबंधन और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का फील्ड में रहने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गहलोत सरकार के प्रबंधन को लेकर की गई तारीफ का जिक्र किया। मंत्री भाटी से खास बातचीत की थी मीडिया संवाददाता त्रिभुवन रंगा ने। शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत दौरे पर है, लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं, लोगों के भाव अभियोग सुन रहे हैं और भंवर सिंह भाटी के लिए ये जाने भी जाते हैं कि वो जब भी अपने क्षेत्र में आते हैं तो जनता से उनका जुड़ाव रहता है। सर, किस तरह की जनसुनवाई हो रही है और नया क्या स्वागत देने को रहे? हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि जो भी लोग आते हैं उनकी जो समस्याएं होती है उनको हम पूरी गंभीरता के साथ सुनते हैं, विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं और पूरा प्रयास रहता है कि तत्काल मौके पर ही समस्या का अधिक से अधिक समाधान हो। अभी दो दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी आए थे भाजपा के, उन्होंने ऐसा व्यंग कसा कि मुख्यमंत्री वो घर में हैं और मंत्री उनके बाहर घूम रहे हैं, कोविड को लेकर जनता को संभाल नहीं रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक इनकी जो नियुक्ति है संघ की वो भी नहीं हो पाई है, तो इनमें पूरी तरह से जो विरोधाभास के खतरे, आप क्या कहेंगे? सेकेंड वेव के समय जब ऑक्सीजन की जरूरत हमारे राजस्थान के लोगों को पड़ी और राजस्थान के हिस्से की जितनी ऑक्सीजन राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो भी राजस्थान को नहीं मिली, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पर पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद बीजेपी से जीता करके दिए हैं और बहुत बड़ा योगदान है केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में राजस्थान के लोगों का, लेकिन ये सांसद अपने घरों से निकल नहीं पाए और राजस्थान के लोगों को मरता हुआ देख करके, राजस्थान के लोग जब तकलीफ में थे, ऑक्सीजन की कमी से उनकी सांसें जा रही थी, बीजेपी के लोगों को राजस्थान सरकार के कामकाज पर कटाक्ष करने की या प्रतिक्रिया करने का उनका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो खुद गायब थे, कोविड के समय जनता के बीच में नहीं आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसने सफाई करने वाले कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक लगातार रोजाना वो बात करते थे, कितनी उन्होंने मीटिंगें की है, उसी का परिणाम है कि आज कोविड में हमारा प्रदेश अच्छी स्थिति में है। ये थे शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने खुलकर जी मीडिया से बात की और कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबंधन किया है, आज अगर बीजेपी उन पर कटाक्ष कर रही है तो वो कहीं भी बेमानी होगी। जवान प्रसन्न साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर। अगली खबर जालौर से है, जहां और क्षेत्र के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रताप आंजाना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ गया है, जिसमें बाजरा, मूंग, ग्वार
ऑक तेल की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान वर्ग परेशान हो गया है। अकाल की भयंकर स्थिति को देखते हुए तुरंत आहोर तहसील के साथ पूरे जिले को सूखाग्रस्त अकाल घोषित कर तुरंत बीमा क्लेम और मुआवजा राशि देकर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। तो वहीं आहोर तहसील के भवरानी, वेडिया, बाला, आईपुरा, नोसरा, भाद्राजून और देवावास सहित कई गांव में विद्युत बिलों में मनमानी रीडिंग लेकर चार महीनों के विद्युत बिल 5,000 से 50,000 रुपए तक के जारी किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और उसके बाद हमारे जो आहोर तहसीलदार साहब ने गत वर्ष जो गिरदावरी रिपोर्ट में कम खराबा दर्शाया था, इसलिए पूरे किसानों की मांग है कि आहोर तहसीलदार को तुरंत हटा दिया जाए। इसी मांग को लेकर हमने यहां पड़ाव डाला है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यहां बैठे रहेंगे। इधर झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित झालरापाटन कस्बे में लंबे वक्त से पेयजल का संकट बना हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने शहर के जलदाय विभाग कार्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया है, मटकियां फोड़कर अपना विरोध जताया। दरअसल पिछले दिनों झालावाड़ जिले में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते पेयजल सप्लाई देने वाली पेयजल परियोजना की लाइन कालीसिंध नदी के तेज बहाव से टूटकर बह गई थी। इसके बाद से शहर में करीब एक महीने से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ शहर और झालावाड़ जिले के नागरिकों को, आम जनता को आपने इस गर्मी में जिस प्रकार से परेशान कर रखा है, ये राजस्थान की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। हम अभी अधीक्षक अभियंता जी का घेराव करेंगे और पूछेंगे उनसे कि आपने क्या प्रोग्रेस करी झालावाड़ शहर में जिले में। इधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीकानेर रोड पर पिछले काफी दिनों से चल रही गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो गया है। पालिका अधिशासी अधिकारी ने दुकानदारों को आपसी समझाइश के चलते पाइपलाइन डलवा दी है। बीकानेर रोड पर स्थित एक मकान का गंदा पानी पिछले कई दिनों से सड़क पर फैल रहा था, जिसे रोड पर गंदगी का आलम था। उक्त मकान मालिक की तरफ से पालिका प्रशासन के समक्ष नाली निकलवा कर गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान करने की मांग की गई, जिस पर एक अन्य पक्ष की तरफ से अपनी दुकान के आगे से नाली निकलवाने से मना कर दिया गया था। दोनों पक्षों के आपसी समझाइश से माहौल नहीं बनाने पर यह माहौल गर्मा गया और पालिका प्रशासन से कनॉट पैलेस चौक तक 27A चौक तक सभी दुकानों के चबूतरे को तोड़कर दुकानों के आगे से गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका ने जाप्ता मंगवा करके जो है सभी को जो खड़े थे वो तोड़ने के लिए जब हम शुरुआत कर रहे थे तो सभी ने आपसी सहमति से कहा है कि पानी का समाधान जो है पाइप निकाल करके हो सकता है। तो जो आपसी सहमति से हो गया है प्रकरण सॉल्व, तो उसके बाद में हम पाइपलाइन डलवा करके नाली में पानी मिला देंगे और इस मैटर का सुलझाव होगा। चित्तौड़गढ़ के गबासन पंचायत समिति के चुनाव के बाद पहली बार साधारण सभा की बैठक में बिजली पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। प्रधान भैरूलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक सदस्यों ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने, पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए सदन में प्रस्ताव रखे हैं। इस दौरान झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ, जिस पर ब्लॉक CMHO के द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामले को शांत करवाया गया। बैठक में समस्त विभागों के अधिकारी भी मौजूद है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वो सीकर के लोसल और रानोली थाने के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दातारामगढ़ कोर्ट को देने के संबंध में निर्णय करें। इसके साथ ही अदालत ने दातारामगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में सीकर जिला जज ने आदेश जारी कर दातारामगढ़ उपखंड के पुलिस थानों के मुकदमों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दातारामगढ़ कोर्ट को दिया था। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए।